हाय, आज मैं आपको बैक साइड की डिफरेंट डिज़ाइन बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये जो आजकल फैशन चल रहा है पीछे राउंड शेप का, देखिए आपका ये बैक साइड इस तरीके से है, एक हल्का सा राउंड शेप में है ये। हाँ, आपका इस तरीके से ये बनेगा कैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसमें ना बकरम का इस्तेमाल होगा ना कुछ होगा। आगे साइड डिज़ाइन में मैं बकरम का यूज़ कैसे करते हैं वो भी बताऊँगी आपको। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ आपके को सामने के पार्ट को कट करना है, बैक के साइड का। ये देखिए, ये आपका ब्लाउज़ है, बैक के बैक का साइड है आपको, पीछे का ये पीछे का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आस्तीन को काटा है, को कट किया है, आस्तीन के हिस्से को कट किया है मैंने, गले के साइड को कट नहीं किया है और इसे हम कट नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, ये मैंने खोल दिया इस तरीके से है। यहाँ पे हम राउंड शेप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक राउंड, ये देखिए, जहाँ पे आपको राउंड लेना है ये आपका है, ये है। अब जितना 2.5 और 7 आपको लेना है, जितना कहाँ पे आपको राउंड रखना है उतने हिसाब से रखिए। मैं गले के थोड़े से नीचे ही रखूँगी क्योंकि ये वाला हिस्सा ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे क्योंकि हमें नीचे का हिस्सा चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, सबसे पहले आपको अस्तर, ये मान लीजिए अस्तर है। अब ठीक अस्तर को हम इसी पर रख के हम मार्क ले लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने मार्क ले लिया है, ठीक है, ये मैंने मार्क ले लिया है। और ये कहाँ पे आपका गला रहेगा, इस तरीके से मैंने मार्क दे दिया है, ठीक है। अब मैं इसे भी कट कर लूँगी। ये देखिए, आपको अस्तर को भी कट कर लेना है। ये देखिए, ये आपका अस्तर हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि ये डिज़ाइन को किस तरीके से बनाना है, समझिए। ये आपका ब्लाउज़ का कपड़ा है, सीधे की तरफ अब मैंने रखा है, उसके ऊपर मैंने अस्तर का कपड़ा रख दिया है, ठीक है, एकदम बराबर। आप चाहें तो पिनअप कर सकती हैं, यहाँ पे इस तरीके से पिनअप कर लीजिए। पिनअप करने के बाद बीच सेंटर का हिस्सा लेंगे, इसलिए इसे मैंने फोल्ड कर दिया। अब बीच सेंटर के लिए मैंने इसमें निशान लगा दिया, इस तरीके से कर दिया ताकि मुझे बीच सेंटर मिल जाए। ये देखिए, ये आपका है। अब मैंने क्या किया है, ब्लाउज़ का सामने का जो पार्ट है, पीछे वाला हिस्सा नहीं, सामने का भाग है, जो सामने सीधा कपड़ा रहता है वहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा रखा है एकदम बराबर में, और उसे आपको पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद हम इसमें जो कपड़े का चौक होता है उससे एक राउंड बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम राउंड बनाएंगे। अब राउंड बनाने के बाद क्या करना है, आपको मशीन से इस पर सिलाई चला देनी है। क्या कर देनी है, सिलाई चला देनी है। सिलाई चलाने के बाद जो ये आपका कपड़ा है उसमें सिलाई चलाने के बाद हम इस वाले हिस्से को, जब आप यहाँ पे सिलाई, ये देखिए, यहाँ पे आपको इस राउंड पे पहले पिनअप पूरा कर लेना है। इस तरीके से आप सिलाई जब चला देंगे, इस तरीके से सिलाई चला देंगे तो ये वाले हिस्से को हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, पहले बीच वाले हिस्से को इस तरीके से किया, इस तरीके से कट करके जहाँ से सिलाई चला है
आप चाहें तो मार्क लगाने के बाद ये जो गोल राउंड है वहाँ पे भी पूरा पहले पिनअप कर सकती हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हम एक राउंड शेप बना लेंगे। ये देखिए आपका राउंड शेप बन गया। अब जो सिलाई है उसके पास हम हल्का हल्का कट करेंगे इस तरीके से, जो कि मैंने आपको पहला, यह ध्यान दीजिएगा सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी, एक्साइटमेंट में आप मत कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से कट करने के बाद आपको क्या करना है, ये अस्तर वाला कपड़ा इसके अंदर से सारा अंदर से करके अस्तर को पलट देना है। तो अस्तर कहाँ चला जाएगा आपका पूरा, जब आप इसके अंदर से घुसा के इस तरीके से पलटेंगी तो आपका अस्तर चला जाएगा पीछे इस तरीके से। ठीक है, ये पीछे जाने के बाद आपके सामने एक सुंदर गोल का डिज़ाइन बनके तैयार है। अब आप चाहें तो उसमें लैस लगा लीजिए और जब अंदर चला जाए तो फिर से वापस। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको बहुत ही ईजी, बहुत ही आसानी, आसान तरीके से मैं आपको ब्लाउज़ के डिज़ाइन भी बताऊंगी, सिखाऊंगी। तो आप कुछ कमियां सिलते समय कुछ कमियां हो जाती हैं जो कि हम शायद इतना बारीकी से यूट्यूब पे नहीं बताते हैं। तो आप चाहें तो स्पेशली ब्लाउज़ के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के लिए भी कोर्स कर सकते हैं। हम ब्लाउज़ के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे बहुत ईजी, बहुत ही आसान तरीके से। आप चाहें तो आप पूरा सिलाई सीख सकती हैं, पूरा उमादी आर्ट क्लासेस के माध्यम से हम पूरा आपको सिलाई का कोर्स करवाते हैं। हमारे लिंक भी हमारे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगी, मैं लिंक भी आपको दे दूंगी, आप उस पर जाएंगी तो हम किस तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे आप सिलाई सीख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए और पूरा सिलाई सीखिए। और उमादी आर्ट क्लासेस के माध्यम से आप जो भी कोर्स करते हैं, हम लोग सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ड्राइंग, योगा, डांस और बहुत सी आर्ट क्लासेस सिखाते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत से क्लासेस है। अगर आप घर बैठे क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं, आज की व्यस्त ज़िंदगी में हम इतना टाइम नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई या घर के काम के साथ साथ हम बहुत सी अपने चीज सीखने वाली चीज़ों को सीख सकें, तो आप घर बैठे आराम से अपने टाइम पे कभी भी, जब भी आपको टाइम मिले तब आप सीखिए। तो अगर आपको कोई भी कोर्स करना हो और आपको हम सर्टिफिकेट भी देंगे जो कि उषा एजुकेशन सोसाइटी मिर्ज़ापुर के तहत पंजीकृत है और मिर्ज़ापुर शहरवासी जो मिर्ज़ापुर विंध्याचल है